से दूर, खबरों से भरपूर दिए गए हैं। और जो विवादित पोस्ट जिस पर राहुल गांधी ने आइडेंटिटी रिवील की थी रेप विक्टिम की फैमिली की, वो पोस्ट हटा दिए गए हैं। अब वापस से एनसीपीसीआर ने, क्योंकि वो नोटिस ट्विटर को दिया था और फेसबुक और इंस्टाग्राम ने, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी वो पोस्ट नहीं हटाया, उनको नोटिस किया एनसीपीसीआर ने और जवाब दिया कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। मतलब बात करने के लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा साहब ने, पवन खेड़ा साहब फिर वापस एनसीपीसीआर अब दबाव बना रहे हैं फेसबुक और इंस्टा पर। ट्विटर पर तो देखा जिस तरीके से उन्होंने सारे हैंडल सस्पेंड कर दिया, आप लोगों के कम से कम 20 से ज्यादा हैंडल सस्पेंड किए उन्होंने, इसको कैसे देखते हैं आप? जो सजगता ये संस्थाएं सरकार की दिखा रही हैं राहुल गांधी को चुप कराने में, उससे आधी सजगता दिखा देते कि इस तरह के अपराध कैसे कम किए जाए तो शायद कुछ लाभ होता। इसमें से इससे एक चौथाई सजगता दिखाते कि उस परिवार को इंसाफ कैसे मिले तो शायद कुछ लाभ होता। ये किस तरह की प्राथमिकताएं हैं इस सरकार की कि विपक्ष को चुप कराओ, सवाल कोई ना पूछ सके, वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, विरोधी हो, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सके, इस तरह से तो तानाशाही भी नहीं चलती। सर उनका कहना है कि पॉस्को एक्ट का उल्लंघन है, विक्टिम गारंटी शेयर नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इस पे। दो चीजें, एक तो आपने देखा चैनल्स पे लड़की के माता पिता आए बच्ची के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा उन्हें कोई आपत्ति नहीं। नंबर दो, अभी हाल ही में हाथरस के विक्टिम की पूरे परिवार की जानकारी सार्वजनिक की थी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों। नंबर तीन, नरेंद्र मोदी जी जब निर्भया के माता पिता से मिलते हैं तो पोज करते हैं मीडिया के लिए। ये सब बातें क्या है, बहुत छोटे से मुद्दे हैं, बड़ा मुद्दा ये है कि उस बच्ची को न्याय मिले और उसके लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको आवाज, उसकी आवाज दबाने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि सरकार उस बच्ची के साथ खड़ी हो, उसके परिवार के साथ खड़ी। सर हमने देखा कि कल काफी मैसिवली रिटेलिएट किया आपने सरकार के खिलाफ भी और ट्विटर पे भी आप लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार के साथ होकर के काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? हम रिटेलिएशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उस परिवार की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 8 दिन से सरकार इस अपराध के विषय में बात नहीं कर रही, सरकार बात कर रही है कि इस अपराध पे राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा देश देख रहा है इस सरकार का असली चेहरा। आज अगर राहुल गांधी ने ये आवाज नहीं उठाई होती तो ये मुद्दा तो ये सरकार 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले ही डिस्ट्रैक्ट कर चुकी थी, कोई और मुद्दा ले आती, जो कि ये सरकार करती रहती है मीडिया मैनेजमेंट का। अब इसको आगे कैसे ले जाएंगे लड़ाई को? हम संघर्ष जैसा कि हाथरस में हमने किया, उन्नाव में किया, यहां भी कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। तो ये कांग्रेस का कहना है कि जो संस्थाएं हैं एनसीपीसीआर जैसी, वो सरकार के कहने पर जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ ये एक्शन करवा रही हैं ताकि जो आवाज है कांग्रेस पार्टी की उसको दबाया जा सके। फिलहाल एनसीपीसीआर कह रहा है ये कानून का उल्लंघन है।